दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे युवराज 215 जो NXE मॉडल महिंद्रा का मिनी ट्रैक्टर आता है इसकी सर्विस कैसे करते हैं। इसके लिए हम आपको दो तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हम दिखा रहे हैं ये फिल्टर है जो ऑयल फिल्टर है, और एक ये 3.5 लीटर का मोबिल है जो 3.5 लीटर आप देख सकते हैं 5W30 में आता है ये। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, अगर आप विंटर में अगर ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो 5W30 डाल सकते हैं, और अगर आप गर्मियों में इसको यूज़ करें तो आप 15W40 डालें, क्योंकि ठंडे का मौसम रहता है तो ठंडे में थोड़ा सा बारीक यानी कि पतला मोबिल ही यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक हम 30 नंबर का पाना और एक प्लास यूज़ करेंगे, इसके बाद एक हम टप यूज़ करेंगे जिसमें ऑयल निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद से अगर आप सर्विस करते हैं तो आप 500-700 रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि 3 लीटर इसमें ऑयल जो निकलता है वो आप यूज में ले सकते हैं, और जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी आप आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह से फर्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, और लास्ट पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस ट्रैक्टर की आपको देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसमें 30 नंबर का जो पाना आप देख रहे हैं इसको यूज़ करेंगे। नीचे एक चैम्बर में बोल्ट होता है, नीचे जो 30 नंबर का होता है इसके हम इस पर लगा कर और इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद सबसे पहले काम हमें यही करना है। हम इसलिए सबसे पहले काम करेंगे ताकि इसको लीकेज होने के लिए, जो इसका जो मोबिल है वो उसको निकलने के लिए पर्याप्त समय ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ताकि ये अंदर से इंजन पूरी तरह से साफ़ हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल इसका निकल रहा है, और ये 50 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में बिक जाता है, तो आप खुद से भी इसको बचा के लगभग 3 लीटर इसमें निकल जाता है। अगर इंजन ख़राब हो तो थोड़ा सा कम निकल जाता है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे आप 250 घंटे में ही हमेशा चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब हम इसको निकलने देते हैं, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हम इसको हाथ से घुमाने की कोशिश करेंगे। अब यह हाथ से थोड़ा सा नहीं घूम रहा, अगर किसी वजह से ये नहीं घूमता तो एक देसी जुगाड़ हम बताते हैं आपको, ये नहीं घूम पा रहा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए और आपको समझने के लिए एक आप रस्सी ले लें, और रस्सी आपको ऐसे यूज़ ऐसे करके ये लेकर और आपको इस तरह से, और बाद में अगर आप चढ़ाएं तो इसको हाथ से ही चढ़ाएं, वो हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से करके आप रस्सी से इसको थोड़ा सा टाइट करके और ये ऐसे करके और आप ऐसे घुमा दीजिए इसको, और ये आसानी से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुल चुका है, आप किसी भी और औजार की आवश्यकता नहीं होती। अब ये फ्रेंड देखो खुल चुका है, ये थोड़ा सा ऑयल इसको इधर कर लेते हैं ताकि ऑयल निकल जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वो था जो हमने इसका नीचे बोल्ट खोला, दूसरा स्टेप हमारा ये था जो आप देख सकते हैं, और हम इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ा सा जो है साफ़ करना है। इसके बाद हम इसको जो एयर का है, एयर क्लीनर में इसमें ऑयल होता है फ्रेंड्स, इसको हम भी इसको नीचे करके बहुत आसान से, इसमें 2 फिल्टर होते हैं वो हम इसमें निकाल लेते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह की फिटिंग होती है इसकी, ये उल्टा होता है एक दूसरे के ऊपर, और अंदर इसमें ऑयल भरा हुआ है, और बस यही प्रोसेस है। इसको भी हम साफ़ करके ठीक से इसमें लगाएंगे दोबारा से, अभी खोलने के लिए ये है हमारे पास। उसके बाद हम इसको हटाएंगे, और हटाने के बाद आप देख सकते हैं प्लास ले आओ भाई, प्लास देना भाई। तो इसको करने के बाद हम इस कैप को यहाँ से खोल लेंगे, खोलने के बाद इसका हमें ऑलरेडी साफ़ है वैसे, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से करके, और ये भी आपको साफ़ करना चाहिए, ये सब गंदा हो जाता है फ्रेंड। और फिलहाल ये अभी हमने हाल ही के दिनों में किया था साफ, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, भले से हम सर्विस कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं और इसको यहाँ से खोल देते हैं, और इसके बाद अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसका 10-20 मिनट, ताकि ये पूरी तरह से जो है ऑयल निकल जाए, और उसके बाद हम इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद कैसे हम चेंज करते हैं वो हम आपको। इसमें एक क्लीनर में थोड़ा सा तेल डाल लिया है लगभग 200-250 ग्राम,
और हमने ये कैन का यूज़ नहीं किया, अलग से सस्ता ऑयल यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर डस्ट ही जानी होती है और ख़राब हो जाता है। इसलिए आप भी ये कोशिश करें कि इसमें कोई और लोकल मोबिल डाल लें जो सस्ता हो। और इसमें थोड़ा हमने ऑयल इसमें भी डाला है ताकि ये डस्ट इसी के अंदर पूरी तरह रुकी रहे। और बस अब हम इसको इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम क्लिप कर देते हैं। क्लिप करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा 30 mm का बोल्ट है, ऑयल डालने से पहले ध्यान से इसको हमेशा लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती से रह गया फ्रेंड्स तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारा ऑयल आपको नीचे निकल जाएगा। हमने 3.5 लीटर ऑयल लाए ज़रूर थे, लेकिन हमें 3.5 लीटर इसमें यूज़ नहीं करना है। यूज़ कितना करेंगे हम वो अभी आपको आगे बताएंगे। तो पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं। पन्ना देना भाई किधर है। और इसको हम टाइट करने के बाद ठीक से टाइट कर लेना फ्रेंड्स, इसको काफ़ी टाइट कर दिया। ये फ़िल्टर इसके बाद ये चेंज करना था, लेकिन हम इसको इसलिए चेंज नहीं करने, अगर आप सर्विस करें तो आप इसको जरूर चेंज कर लें। सिंगल ही फ़िल्टर आता है इसका। अब हम इसकी कीमत बताएं, लगभग 70-80 रुपये का ये फ़िल्टर आ जाता है। और जो हम ये फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं इसमें, ये 160 रुपये का आया है और 1350 रुपये की ये कैन आई है। आप इसको 3 लीटर में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम डालने वाले हैं वो 3 ही लीटर डालने वाले हैं। फिर से फ़िल्टर लेकर आए थे, ये इसमें हम लगा देंगे। और आपको हाथ से ही टाइट करना है, बस इतना टाइट रखना है ताकि ये ऑयल यूज़ जो है नीचे लीकेज ना मारे। बाकी बहुत ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं होती, बस आप इसको यहाँ से टाइट कर लें। हो चुका है और ये हमने साफ़ कर लिया ऑलरेडी। ये लेबल हम इसमें लगा देते हैं। और लेबल जब आप ऑयल इसमें डालें, इसकी चूड़ियों को बिल्कुल आसानी से आप चढ़ा दें, बहुत इजीली इसमें चढ़ जाती है ये। और आप देख सकते हैं ये परफेक्ट चढ़ गई, आपको कुछ एक्स्ट्रा कीप लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका ट्रैक्टर लगभग 1500 घंटे अगर चल चुका हो तो आप ये इसमें कूलेंट होता है ग्रीन कलर का, बहुत सारे ब्रांड आते हैं 200-250 रुपये लीटर के हिसाब से मिल जाता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन 2500 घंटे बाद अब हमारा बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अभी तक का जो खर्च है हमारा आप समझ सकते हैं, 160 रुपये का हमारा जो है फ़िल्टर यूज़ हुआ है और 1350 की आई है। हालांकि आधा लीटर हमने इसमें ज़्यादा लाए हैं, हो सकता है 1100-1100 रुपये में हमें मिल जाती, तो 1200-1300 रुपये में आपका ये लगभग काम होने वाला है इसमें सर्विस का। और इसको हम थोड़ा सा, और जितनी भी कंपनियां फ्रेंड्स ऑयल देती हैं, जो जितनी भी कंपनी आप लेते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं 50 रुपये का कूपन भी है। ये भी आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, आप इसको निकाल सकते हैं। और जहां से आपने ये कैन बाय की है, और हम यहां की सर्वो का है, हम सर्वो को प्रमोट नहीं कर रहे, आप जो भी चाहें, मेन चीज़ होती है साइज। अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो आप 5W30 पर जा सकते हैं, वरना 15W40 ही यूज़ करें। और अगर 20W40 मेरे ख्याल से इस इंजन के लिए ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो आप यूज़ ना करें तो बेहतर है। उसके लिए अगर आप डेजर्ट जोन में जाते हैं तो उसको यूज़ करें, वरना आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम इसको इसमें डालते हैं। ये देखिए येलो कलर का होता है ये, और ये हमेशा सुनिश्चित कर ले, हमने पहले भी आपको बताया है कि इसका जो नीचे का बोल्ट होता है उसको ध्यान से टाइट कर लीजिए, वरना ये सारा ऑयल आपको नीचे को क्रॉस हो जाएगा और आपका 1000 रुपये का नुकसान भी हो सकता है। तो बस हम ये कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। लगभग हमें 0.5 लीटर इसमें बचा लेना है, क्योंकि हमें पैक 3 लीटर का नहीं मिल पाया था, इसलिए हमें ये 3.5 लेना पड़ा। और हमने भी ये सोचा कि किसी दूसरी मशीन में यूज़ कर लेंगे, तो लगभग हमने 0.5 लीटर इसमें बचा लिया है, 0.5 लीटर से ज़्यादा ही है। लेकिन पहले हम लेवल चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको जो है ऑयल इसमें और ज़्यादा डालेंगे। आप भी अगर करें तो इसमें अगर 3.5 लीटर लेते हैं, आप करना ये है कि आपको 3 ही लीटर लेना है, बेस्ट ऑप्शन यही है। तो अब हम इसको जो है नीचे रखते हैं और इसको हम खोल कर ये जो इसका कैप है ये लगा लेते हैं फ्रेंड्स। और कैपिंग करने के बाद अब हम लेवल चेक कर लेते हैं। लेवल अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी काफ़ी वीडियो ट्रैक्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल हैं। और यहाँ से आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं।
अब ये देखिए हमारा लेवल यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये खुद ही आ जाएगा थोड़ा सा। ये जो आप देख सकते हैं ऊपर के निशान फुल होने का होता है, लेकिन ये अभी और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें फ़िल्टर में अभी ऑयल नहीं आया है। जब स्टार्ट होगा तो ये सारे में रन करेगा, उसके बाद ये खुद ही इसका लेवल कम हो जाएगा। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर कोई इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा रहता है तो आप बाद में स्टार्ट करने बाद उसको लेवल कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।